नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ अंकिता। देखिए, आईपीएल का छठा मुकाबला पंजाब बनाम आरसीबी के बीच में खेला गया, जहां पर आरसीबी की टीम ने 4 विकेट से ये मुकाबला अपने नाम कर लिया है। जी हां, इसके बाद से पॉइंट्स टेबल में कई बदलाव देखने को मिले हैं। चेन्नई जहां टॉप पर थी, वहीं अब राजस्थान रॉयल्स ने छलांग लगाते हुए टॉप पर अपनी जगह बनाई है। इसके अलावा चेन्नई जो है वो दूसरे नंबर पर है। साथ ही साथ अगर आरसीबी की बात की जाए तो आरसीबी ने कल ये मुकाबला अपने नाम किया, लेकिन नेट रन रेट कम होने की वजह से अभी भी आरसीबी की टीम जो है वो छठे नंबर पर बरकरार है। साथ ही साथ अगर बात की जाए यहाँ पर ओवरऑल मैच की, तो कल आरसीबी की टीम ने कमाल की बल्लेबाजी की थी। विराट कोहली ने 77 रन की शानदार पारी उनके बल्ले से देखने को मिली, लेकिन एक मैच जब हम बात करते हैं ना डेथ ओवर्स की, वहां पर मैच थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आया। पंजाब किंग्स की टीम ने यहां पर टॉस जीते हुए पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, 176 रन बनाए और टारगेट दिया यहां पर 177 का, जिससे विराट कोहली की टीम चेज कर रही थी। तो विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन बनाए, जी हाँ 77 रन की शानदार पारी खेली है। और इस जीत का एक अहम पार्ट रहे हैं विराट कोहली। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुआ था, मतलब पोस्ट मैच के बाद जब उनसे सवाल किया गया कि पहली बात तो उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड से नवाजा गया, इसके बाद T20 वर्ल्ड कप को लेकर उनसे बात की गई, तो उन्होंने कहा कि देखिए T20 क्रिकेट में मेरे नाम को लेकर प्रमोशन किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, और BCCI के लिए सबसे बड़ा बयान है विराट कोहली का। और उन्होंने ये कह दिया है कि भाई T20 क्रिकेट को मेरे नाम से प्रमोट किया जा रहा है, जो कि USA और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। तो विराट कोहली ने कई सारी मुद्दों पर बात की जब उनसे सवाल किया गया, मैच जब नहीं खेल रहे थे वो और IPL में उनका कमबैक हुआ है तो किस तरीके से वो उनको लेते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि 2 महीने जो मैं था अपने परिवार के साथ था और ऐसी जगह था जहां पर कोई मुझे पहचान नहीं पा रहा था, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना मुझे अच्छा लगा। विराट कोहली जब फॉर्म में नजर आए तो लग रहा था कि मैच जो है वो जल्दी फिनिश हो जाएगा, लेकिन वहां पर जब हम डेथ ओवर्स की बात करते हैं तो दिनेश कार्तिक वहां पर मौजूद थे, महिपाल भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन कुछ भी हो सकता था, मैच का जो रुख था वो बदल सकता था, पंजाब के टीम की तरफ ये मैच जाता हुआ नजर आया था। लेकिन वहां पर दिनेश कार्तिक ने कमाल की बल्लेबाजी की, बैक टू बैक पहली बॉल पे 6 लगाया उन्होंने और दूसरी बॉल पर उन्होंने चौका जड़ दिया, और ये मुकाबला जो है वो आरसीबी ने अपने नाम कर लिया है 4 विकेट से। बात की जाए यहाँ पर मुंबई और GT की, तो वहां पर गुजरात टाइटंस ने अपने होम ग्राउंड में ये मुकाबला अपने नाम किया। तो पहला मैच आरसीबी बनाम चेन्नई के बीच में था, वहां पर भी चेन्नई की टीम ने ये मैच अपने नाम किया था। खैर, देखिए इसके बाद भी अगर पॉइंट्स टेबल में बाकी की बात की जाए तो वहां पर सभी टीमों के 2-2 पॉइंट्स हैं। बात यहां पर चेन्नई की जाए तो चेन्नई के 2 पॉइंट्स हैं, RR के भी 2 पॉइंट्स हैं, गुजरात टाइटंस तीसरे नंबर पर बरकरार है, जहां पर शुभमन गिल जो है वो पहली बार गुजरात की कप्तानी करते नजर आए। इसके अलावा आज के मैच की बात की जाए तो आज होगा चेन्नई बनाम गुजरात के बीच में मैच, और ये मैच जो है वो बड़ा ही चैलेंजिंग होगा, क्योंकि एक तरफ होंगे आपके ऋतुराज गायकवाड़ जो कि चेन्नई के कैप्टन हैं, दूसरी ओर है शुभमन गिल जो कि अभी जीत कर आ रहे हैं। दोनों ही टीमों ने अपना पहला मुकाबला जो है वो जीता है, हालांकि होम ग्राउंड में गुजरात की टीम जो है वो विजयी हो पाएगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।